हरदोई के संटीला में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनसभा की है। मुख्यमंत्री ने यहाँ की मातृभाषा में जनता से बात की, साथ ही जनसभा में मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने मिश्रिक सांसद अशोक रावत द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की। वहीं समाजवादी पार्टी और गुंडे माफियाओं मंचलों को प्रमोट करने का आरोप लगाया है। कार्यक्रम में शायद न पहुंच सकूं, एक सरकारी कार्यक्रम में नियुक्ति वितरण था, उसके बाद पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के लिए हमें गुजरात जाना है। लेकिन कंडीला के लड्डू का वो मुझे पता था, कंडीला जा रहे हैं तो कंडीला के लड्डू जरूर मिलेंगे, और अशोक जी ने सबका कंडीला के लड्डू व्यवस्था करने का काम किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं अशोक रावत जी से, हमारे पुराने साथी, कई बार लोकसभा रहे। देखो नेता वही है जिसके अंदर कुमार नहीं आता। जैसे देखते हैं मलियाबाग में पेड़ में जब बाग में आम लग जाते हैं तो पेड़ सूख जाते हैं, अशोक रावत जी ने ये बरकरार रखा है। और हमारे छोटे भाई और इस खूबी के कारण अशोक रावत जी अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है। मैं इनको बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। कुछ बातें यहां से करने के लिए आया हूं, अपने घर का जिला है इसलिए यहां से भाषण देने की जरूरत नहीं है। क्यों सीधे बातें कर गए हैं ना, कोई भाषण देने की जरूरत नहीं। बात क्या है, ये 24वां चुनाव लोकसभा के रो और चुनाव नहीं है अशोक रावत। लोकप्रिय सांसद आदरणीय अशोक रावत जी ने संडीला में जिस ढंग से जनसभा का आयोजन किया, जो जनसैलाब उमड़ा है, मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के पूर्ण होने पर जिस ढंग से जनसैलाब उमड़ा है, आम जनता ने अशोक रावत जी को आशीर्वाद दिया है। एक तरफा यहाँ अशोक रावत जी जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में हम 80 के 80 लोकसभा जीतने जा रहे हैं। लगभग सभी जगह हमने पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों जगह हमने प्रवास करके देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और समाजवादी पार्टी अपने कुकृत्यों की वजह से, गुंडे माफिया मंचलों को प्रमोट करने की वजह से उत्तर प्रदेश में कभी पनप नहीं पाएगी। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु रामलला का मंदिर बनाने के लिए सर्वस्व निछावर पर लगा दिया और समाजवादी पार्टी के लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर जिस ढंग से गोलियां चलाई थी, अयोध्या की सड़कों को लाल कर दिया था, बहुत ही दुखद है। इन्हें देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे।